الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين मोहतरम नाज़रीन, आज घर में इंसान ज़िंदगी गुजारते हुए अपने साथ रहने वाले, अपने साथ उठने बैठने वालों के साथ कैसे हमदर्दी का मामला करे, इस पर कुछ बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत ये बयान की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि ऐ नबी, हमने आपको दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर मबऊथ किया है, खैरख्वाह और हमदर्द बनाकर भेजा है। हमदर्दी कहते हैं किसी इंसान के साथ भलाई का मामला करना, उसके लिए खैर चाहना, खैर की अपने अंदर तड़प रखना, ये हमदर्दी कहलाता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में हर एक के लिए खैर चाहते, भलाई का इरादा करते और हमदर्दी का मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, और खुसूसन उन लोगों के साथ जो आपके साथ रहने वाले हैं, जो आपके साथ उठने और बैठने वाले हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ मिसालें हमें मिलती हैं, मैं उन मिसालों के ज़रिए अपने साथ रहने वाले इंसानों के साथ हमदर्दी के मामलात कैसे किए जाने चाहिए उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले, घर में ज़िंदगी गुजारने वाले सबसे कमज़ोर जो कड़ी होती है वो घर में बच्चों की होती है। कमज़ोर होते हैं, नातवा होते हैं, मासूम होते हैं, तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ हमेशा हमदर्दी का मामला किया करते थे। कल भी मैंने मिसाल पेश की थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बच्चों का बोसा लिया करते, आप प्यार करते। एक देहाती ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को प्यार कर रहे हैं, तो सवाल किया, पूछा कि क्या आप बच्चों को प्यार करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कहा कि हाँ, बच्चों के साथ हम प्यार करते हैं। तो देहाती ने जवाब दिया, कहा कि कभी हमने ये मामला नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम जवाब देते फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ने तुमसे रहमत को छीन लिया है, रहमत के जज्बे को ख़त्म कर दिया है, हमदर्दी को अल्लाह ताला ने तुमसे दूर कर दिया है, तो इसका तो मैं मालिक नहीं हूँ, ये तो मैं तुम्हारे दिल में पैदा तो नहीं कर सकता। तो बच्चों के साथ प्यार करना, उनके साथ उठना बैठना, बल्कि उनको गोद में उठाना नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे, तो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दौड़ते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें अपने गोद में उठाने के लिए। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर इधर उधर भागने और दौड़ने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरकार हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने गोद में उठा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बोसा देने लगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ, जो इनसे मोहब्बत करेगा गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत किया, और जो इससे नफरत करेगा, जो इससे बुग्ध करेगा गोया कि उसने मुझसे बुग्ध किया।
बसा औकात नबी अलैहिस्सलाम बच्चों को उठाते तो बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर पेशाब कर दिया करते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इसको भी बर्दाश्त कर लिया करते। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कहती हैं कि एक बच्चा नबी अलैहिस्सलाम के पास लाया गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस बच्चे को अपने गोद में उठाते हैं, बच्चे ने आपके कपड़ों पर पेशाब कर दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी सफाई के लिए पानी मंगवाया। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने प्यार का मामला नबी अलैहिस्सलाम किया करते थे। ये हमदर्दी तो थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज के लिए खड़े होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने अल्फाज में बयान करते हैं कि मेरी ख्वाहिश होती, मेरी तमन्ना होती कि मैं नमाज को तवील करूं, नमाज को लंबी करूं, लेकिन पीछे से बच्चों के रोने की आवाज़ आती, बच्चों के रोने की आवाज़ को सुनकर मैं नमाज में तख़फीफ कर देता, नमाज हल्की कर देता, इस डर से कि कहीं उसकी माँ का दिल बच्चे के रोने की वजह से उसमें मशरूफ ना हो जाए, मशगूल ना हो जाए, उसकी नमाज में खलल वाक़े ना हो जाए। आप अंदाज़ा लगाइए कि नबी अलैहिस्सलाम कितने हमदर्द थे और कितनी शफ़क़त का मामला अहले खाना के साथ, बच्चों के साथ आप किया करते थे। नमाज में, हालत नमाज में नबी अलैहिस्सलाम अपनी नवासी उमामा को अपने कंधे पर उठाते, सजदा करने का मौका आता आप अपने कंधे से उतार देते, क़याम में आप अपने कंधे पर रख लेते, ये आपकी शफ़क़त ही थी। एक और रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे, अब्दुल्लाह इब्न शद्दाद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, इमामत कर रहे थे, इमामत करते हुए जब आपने सजदा किया तो सजदा कुछ तवील हो गया। अब्दुल्ला के वालिद शद्दाद सजदे से अपना सर उठाकर देखने की कोशिश करते हैं कि खिलाफे मामूल आज सजदा इतना तवील क्यों हो गया, क्या बात है, कहीं कोई हादसा तो पेश नहीं आया। क्या देखते हैं कि आपके आपकी पीठ पर हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सवार है। नबी अलैहिस्सलाम ने काफ़ी देर के बाद सजदे से सर उठाया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आपसे सवाल किया गया कि खिलाफे मामूल आज आपने सजदे को तवील कर दिया, सजदे को लंबा कर दिया, तो नबी अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, आप फरमाते हैं कि मेरा बेटा हसन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मेरी पीठ पर सवार था, उसने पीठ पर सवार होकर मुझे सवारी बना लिया था, मेरी ख्वाहिश थी, मेरी तवन्ना थी कि अपने खेल की रग़बत को मुकम्मल कर ले, अपनी ख्वाहिश की तकमील कर ले, उसकी ख्वाहिश से ख्वाहिश की तकमील से पहले सर उठाना मुझे गवारा नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हमदर्दी के जज्बे पर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जहाँ बच्चों पर हमदर्दी का मामला किया करते थे, हमदर्दी दिखाया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही औरतों के साथ हमदर्दी के मामला किया करते थे। याद कीजिए उस हदीस को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ताल्लुक से एक आम जुमला फरमाया था, रिफ़कन बिलकवारी, कि औरतें कांच के टुकड़े की मानिंद होती हैं, जिस तरह इंसान कांच के टुकड़ों के साथ, कांच के साथ, आईने के साथ जब मामला करना होता है तो बहुत संभाल कर उसको ले जाता है, हिफाजत के साथ कि कहीं टूट ना जाए, टूट कर बिखर ना जाए, इसलिए कांच को संभालने की कोशिश करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने तशबीह देते हुए कहा कि औरतें कांच की मानिंद हैं, आईने की मानिंद हैं, जिस तरह आईने के साथ मामला करते हुए तुम खुद उसको संभालने की कोशिश करते हो, वैसे ही औरतों के साथ मामला करते हुए उनको संभालने की कोशिश करो, कहीं वो टूट कर बिखर ना जाए, कहीं वो टूट ना जाए। नबी अलैहिस्सलाम की आप तशबीह पर गौर फरमाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी अल्लाह ताला उसको बेटियां अता करता है, बेटियां देता है, बसा औकात इंसान लड़की की विलादत पर
अलग मामला करता है, लड़के की विलादत पर अलग मामला करता है। लड़कों के लिए तो हमदर्दी के जज्बात दिल में मुजज़न होते हैं, लेकिन वहीं लड़कियों के साथ जब मामले दरपेश होता है तो बसा औकात सख्ती ओद कर आती है। मेरे मुहतरम मुसलमान दोस्तों, आप गौर कीजिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जितने लड़के थे सबका बचपन में इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेटियाँ जिंदा रहें और बेटियों की शादी हुई, उसके बरखिलाफ जितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़के थे सबका इंतकाल हो गया। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह के एक शागिर्द थे, जब भी कोई विलादत होती इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह के पास आते, इमाम अहमद सवाल करते पूछते कि क्या हुआ है, लड़का हुआ है या लड़की। वो जवाब देते कि लड़की हुई है। इमाम अहमद तसल्ली देकर उन्हें फरमाया करते थे कि गमी करने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि जितनी अंबिया थे अल्लाह ताला ने अंबिया को बेटियों से नवाजा था। अक्सर अंबिया को अल्लाह ताला ने बेटियां अता की थीं। तो वो कहते हैं कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह के जुमले से मुझे सब्र और सुकून मिल जाता। बेटियां कमज़ोर होती हैं, औरतें कमज़ोर होती हैं, लिहाजा हमदर्दी की ज़्यादा मुस्तहिक होती हैं। इंसान को चाहिए कि उनके साथ हमदर्दी का मामला करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला किसी को बेटियां अता करता है, बेटियां देता है, बेटियों पर वो इंसान सब्र से काम लेता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम से कल क़ियामत के दिन ये बेटियाँ उसके लिए हिजाब बन जाएंगी, आड़ बन जाएंगी, जहन्नम में जाने से ये बेटियाँ रोक लेंगी। आप तसव्वुर कीजिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों के ताल्लुक से, बेटियों के ताल्लुक से, बहनों के ताल्लुक से, बीवियों के ताल्लुक से कितनी मुफीद तालीमात हमें दी हैं कि औरतों के साथ जब भी मामला करना हो हमदर्दी का मामला इंसान को करना चाहिए। घर में रहते हुए सबसे ज़्यादा हमारी हमदर्दी के मुस्तहिक हमारे अपने वालिदैन होते हैं। बसा औकात बुढ़ापे की उम्र को पहुँचे हुए होते हैं, सहारे की ज़रूरत उन्हें होती है। इस उम्र में बसा औकात बीमारियाँ, तकलीफ़ें, कमज़ोरी की शिद्दत उन्हें दूसरों का मोहताज बना देती है। इस आलम में हमारी हमदर्दी के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हमारे अपने माँ बाप होते हैं। माँ बाप के साथ हमदर्दी का मामला करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल करना, उनके साथ एहसान वाला मामला करना और अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ पर बुलंद न रखना और उनके आगे न चलना, ये वो तालीमात हैं जो शरीयत इस्लामिया ने मुसलमानों को सिखाई हैं। इसलिए इंसानों को चाहिए कि सबसे ज़्यादा हमदर्दी के अगर कोई अपने घरों में मुस्तहिक होते हैं तो वो हमारे माँ बाप हैं। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। अल्लाह ताला ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया, अपनी इबादत के साथ अल्लाह ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को जोड़ दिया। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी और को शरीक न करो। उसके बाद फौरन अल्लाह ताला फरमाते हैं वो बिलवालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो, हमदर्दी का मामला किया करो। अल्लाह ताला ने एहसान का हुक्म दिया। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं अनशकुर ली वली वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। किसी और चीज़ को अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ नहीं जोड़ा, किसी और का अल्लाह ने जिक्र नहीं किया। सबसे पहले अपने शुक्र अदा करने का हुक्म दिया, उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे शुक्रिया अदा करने के बाद अपने वालिदैन का शुक्र अदा किया करो। वालिदैन मशक्क़त बर्दाश्त करते हैं, बच्चों की तरबियत करते हैं, उनकी तालीम का इंतज़ाम करते हैं, और खुसूसन वालिदा हमारी हमदर्दी की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक होती है। इसीलिए जब एक शख्स आता है नबी अलैहिस्सलाम के पास सवाल करता है, पूछता है कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। दूसरी मर्तबा सवाल किया, आपने फिर जवाब दिया तुम्हारी माँ। तीसरी मर्तबा सवाल किया, आपने फिर जवाब दिया तुम्हारी माँ।
चौथी मरतबा वो शख्स सवाल करता है मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है, तो चौथी मरतबा नबी अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि तुम्हारे बाप। उलमाए किराम इस हदीस की शरह करते हुए लिखते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने माँ के हक़ को बाप के मुकाबले में तीन गुना ज़्यादा रखा है। उसकी वजह क्या है कि तीन ऐसे मकामात हैं जहाँ अकेली माँ अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, बाप उस तकलीफ़ में उसके साथ शामिल नहीं होता, शरीक नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ताला ने बाप के मुकाबले में माँ के हक को तीन गुना इजाफे के साथ बयान किया है। कौन से मौके? दोस्त, 9 महीने तक माँ अपने बच्चे को अपने पेट में उठाए रखती है, ये तकलीफ अकेली माँ बर्दाश्त करती है, बाप उसके साथ शरीक नहीं होता, शामिल नहीं होता। बच्चे को जन्म देते हुए जो माँ को तकलीफ होती है वो तकलीफ अकेले माँ उठाती है, अकेली माँ बर्दाश्त करती है, बाप उसके साथ शामिल नहीं होता, शरीक नहीं होता। उसके बाद दूध पिलाने का मरहला आता है तो उस तकलीफ को भी अकेली माँ बर्दाश्त करती है, बाप उस तकलीफ में उसके साथ शरीक नहीं होता, शामिल नहीं होता। जहाँ तक तरबियत और तालीम का मामला होता है, दोनों मिलकर माँ बाप मिलकर उसकी तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जा देते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने हुस्न सलूक का जब जिक्र किया तो माँ को बाप के मुकाबले में तीन गुना ज्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक करार दिया। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, गौर करें क्या आज हमारे मामले हमारे वालिदैन के साथ ऐसे ही होते हैं? क्या हम अपने वालिदैन के साथ सलूक का मामला करते हैं? हम अपने नफूस का मुहासबा करें, अपने आप का जायजा लें। याद रखें, वालिदैन जब तक बाहयात हैं, जिंदा हैं, वो जन्नत तक पहुंचने का जरिया हैं, वो जन्नत में दाखिल होने के लिए दरवाज़ा हैं। वालिदैन का इंतकाल हो जाता है, जन्नत में दाखिल होने का ये दरवाज़ा बंद हो जाता है। जब तक ये दरवाज़ा खुला हुआ है, जब तक ये दरवाज़ा मौजूद है, इस्तगलाल कर ले, उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल होने का मौका सुनहरा हासिल कर लें, मौका पा लें। ये गनीमत है, पता नहीं कब वालिदैन का इंतकाल हो जाए, कब वो हमसे रुखसत हो जाए। वो मोहताज हैं, वो ज़ईफ हैं, वो कमज़ोर हैं, बसा औकात उनकी खुददारी आगे आड़े आती है कि अपनी हाजतों का जिक्र अपने बेटों से नहीं करते। इस मामले में बेटे को अपने वालिदैन की ज़रूरियात को समझना चाहिए और उनके पूछने से पहले, उनके सवाल करने से पहले, अपनी हाजात का जिक्र करने से पहले बेटा बजाते खुद वालिदैन की हाजात को, उनकी ज़रूरियात को पूरी कर ले, तकमील कर ले। शरीयत इस्लामिया इसी की तरफ इंसान को बुलाती है, इस पर उभारती है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास एक शख्स आया सवाल करने के, पूछने के लिए कि मैंने बहुत से लोगों का कत्ल किया, मैं कातिल हूँ, क्या अल्लाह ताला मेरे इस गुनाह को माफ़ कर देगा? क्या अल्लाह ताला मेरे इस गुनाह को माफ़ कर देगा? क्या मेरी तौबा अल्लाह ताला कबूल करेगा? इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उससे सवाल करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे वालिदैन में से कोई ज़िंदा है, दोनों या उनमें से कोई एक बाहयात है? उसने कहा कि कोई ज़िंदा नहीं। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, कहते हैं कि जाओ कसरत के साथ नेकियाँ करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर देगा। वो शख्स वहाँ से रवाना होता है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के एक शागिर्द उनसे सवाल करते हैं कि आपने उस शख्स से ये क्यों पूछा कि क्या तुम्हारे वालिदैन में से दोनों के दोनों या उनमें का कोई एक ज़िंदा है, ये सवाल आपने क्यों किया? इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, वो कहते हैं कि गुनाह को माफ़ कराने के लिए, गुनाह की मगफिरत के लिए वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से बढ़कर कोई नेक अमल मेरे इल्म में नहीं है। मैं नहीं जानता कि कोई इंसान गुनाह करने के बाद अगर उसको माफ़ कराना चाहता है तो गुनाह को माफ़ कराने के लिए सबसे बेहतरीन अमल, सबसे अच्छा अमल वालिदैन के साथ हुस्न सलूक है। अगर वालिदैन के साथ कोई आदमी हुस्न सलूक कर लेता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ़ कर देता है। इंसान को चाहिए कि वालिदैन के साथ हमदर्दी का मामला करे, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखे,
सबसे कमज़ोर कड़ी होते हैं, बुढ़ापे की उम्र होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने वालिदैन को उफ तक न कहना, उफ तक न कहना। आज बहुत सारे हमारे नौजवान जोश में आकर, जज्बात में आकर वालिदैन को बस आवाज झड़क देते हैं, उन्हें डांट देते हैं, ऊंची आवाज़ में उनसे गुफ्तगू करती हैं। शरीयत इस्लामिया ने इन चीज़ों से मना कर दिया है, रोक दिया। अब तस्वूर कीजिए, उफ तक न कहो, कलिमा उफ का भी तुम वालिदैन के लिए इस्तेमाल न करो, और जब उनसे बात करते हो तो अपनी आवाज़ को धीमी रखो। हमारी हमदर्दी के मुस्तहिक वालिदैन के साथ साथ कमज़ोर जो अफराद होते हैं, बसा अवकात यतीम होते हैं, बेवाएँ होते हैं, वो इंसान जो आजिज़ होता है, मादूर होता है, कमा नहीं सकता, अपनी रोज़ी रोटी खुद हासिल नहीं कर सकता, ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी का मामला इंसान को करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की उस हदीस को आप याद करें, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नति हकदा, कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला, यतीम की तरबियत करने वाला, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, दोनों के दोनों जन्नत में ऐसे रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो उंगलियों को मिलाकर इशारा किया, जन्नत में ऐसे रहेंगे, मिलकर रहेंगे। नबी अलैहिस्सलाम की रफाकत अगर कोई चाहता है, आपकी सोहबत हासिल करना चाहता है, आपकी सोहबत पाना चाहता है, तो इंसान को चाहिए कि यतीमों के साथ उसने सलूक करे, उनके साथ हमदर्दी का मामला करे, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखे। आज बहुत सारे मुसलमान खैर के काम अंजाम देते हैं, खैर के काम करते हुए यतीमों की ज़रूरियात को पूरा करते हुए एक बड़ा कभी अमल, एक बड़ा कभी काम हमें दिखाई देता है, नज़र आता है। आपने मुशाहदा किया होगा कि अनाज या गल्ला या ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, बसा औकात वो पहुँचाने के लिए यतीमों के पास जाता है, तो यतीम को देते हुए तस्वीरें खींचता है, बेवाओं को देते हुए तस्वीरें खींचता है। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, सलफ भी ये काम किया करते थे, लेकिन ऐसे अंदाज में कि कानों कान किसी को खबर ना होती, कानों कान कोई आदमी जान नहीं पाता कि राशन पहुंचाने वाला कौन है, अनाज और गल्ले का इंतजाम करने वाला कौन है। ज़ैनुल आबिदीन रहिमहुल्लाह मदीने के कई खानदानों की कफालत किया करते थे, हमदर्दी का मामला किया करते थे, किसी ने उनकी जिंदगी में नहीं जाना कि उनकी कफालत करने वाला कौन है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाला कौन है, उनकी ज़रूरियात की तकमील करने वाला कौन है। कोई जान ना पाया, उनका इंतकाल होता है, रुख्सत हो जाते हैं, इंतकाल होने के बाद अनाज आना बंद हो गया, तो लोग वहाँ जानने लगे, लोगों को मालूम होने लगा कि जो हस्ती, जो शख्सियत अनाज पहुंचाया करती थी, वो हस्ती, वो शख्सियत दुनिया से रुख्सत हो चुकी है, दुनिया से जा चुकी है। इखलास के साथ कोई आदमी काम करना चाहता है, अल्लाह ताला उसके काम में बरकत अदा करेगा, उसके काम में यकीनन अल्लाह ताला बरकत अदा करेगा। दुनिया का कोई इंसान उसके काम को देख रहा हो न देख रहा हो, जान रहा हो न जान रहा हो, वो हस्ती जो अजर और सवाब देने वाली है, वो हस्ती हमारे काम को देखने वाली है और हमारे अजर को वो सब्त करने वाली है, और कियामत के दिन हमको बेहतरीन बदला अता करने वाली है। लिहाजा माशरे के जो ज़ईफ कमज़ोर अफराद होते हैं, यतीम होते हैं, बेवाएँ होती हैं, माजूर अफराद होते हैं, उनके साथ हमदर्दी का मामला करना, उनकी देख रेख करना, ये हमारी दीनी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है, उनको सहारा देना, उनकी कफालत करना। और याद रखें कि नबी अलैहिस्सलाम ने दिलों की सख्ती को दूर करने का एक बेहतरीन नुस्खा बताया। बहुत सारे मुसलमान शिकायत करते हैं, कुरान की आयतों की तिलावत होती है लेकिन असर नहीं होता, दुआएँ मांगता है, वाद और नसीहत इंसान सुनता है लेकिन असर नहीं होता, तो दिल सख्त हो चुका होता है।
दिल असर कबूल नहीं करता। इस सख्ती को अगर कोई आदमी दूर करना चाहता है, नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, सवाल करने लगा, पूछने लगा कि या रसूल अल्लाह, अपने दिल में सख्ती महसूस कर रहा हूँ, आप कोई ऐसा तरीका बताइए कि दिल की ये सख्ती ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यतीम के सर पर हाथ फेरो, यतीम के सर पर हाथ फेरो। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, यतीम के सर पर हाथ फेरने का मतलब ये है कि उसकी कफालत करो, उसकी तरबियत का इंतज़ाम करो, उसकी तालीम का इंतज़ाम करो, और उसको अपनी कफालत में ले लो, उसको किसी तरह की मुश्किल ना होने पाए, इसका ख्याल रखो। इस तरीके से अल्लाह ताला दिलों की सख्ती को दूर कर देगा, दिलों की सख्ती को ख़त्म कर देगा। हमारी हमदर्दी के मुस्तहिक औकात वो जानवर, वो चौपाए भी होते हैं जो हमारे अपने साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। बसा औकात इंसान के घर में बिल्ली होती है, बसा औकात कोई जानवर होता है, कोई चौपाया होता है, हमारी हमदर्दी के वो भी मुस्तहिक हैं। नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक अंसारी सहाबी के बाग में दाखिल होते हैं, एक ऊँट नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा, आंसू बहना बंद हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, पूछा कि इस ऊंट का मालिक कौन है। एक अंसारी सहाबी आगे आते हैं और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, ये ऊंट मेरा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ऊंट मेरे पास तुम्हारी शिकायत कर रहा था कि तुम इस पर बोझ ज्यादा डालते हो, काम ज्यादा लेते हो, और आराम के लिए मौका कम फराहम करते हो। ये बेजबान जानवर हैं, इनके साथ उसने सलूक करना, बसा औकात ये अपने हमारे घर में होते हैं। इंसान जहाँ ज़िंदगी बसर करता है तो ये जानवर, बेजबान जानवर हमारे अतराफ में घूमने वाले। नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के ताल्लुक से फरमाया कि ये तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने वाली, तुम्हारे दरमियान रहने वाली, तुम्हारे साथ आने और जाने वाली। उस वाक़े को भी याद कीजिए कि एक औरत ने बिल्ली को बांध दिया, ना खाने पाने का इंतजाम खुद कर रही थी और ना ही उसको छोड़ रही थी कि बजाते खुद बिल्ली अपने खाने पीने को तलाश कर सके, ढूंढ सके, ना छोड़ने के लिए तैयार, ना खाना पानी देने के लिए तैयार। बिल्ली इसी भूख की शिद्दत से मर जाती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो औरत एक बिल्ली को तकलीफ देने पर जहन्नम में दाखिल होगी। उसके मुकाबले में एक जानिया औरत ने कुत्ते को पानी पिला दिया, कुत्ते को पानी पिला दिया, कुत्ते के साथ हमदर्दी का मामला किया। आप देख लें कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक औरत, जानिया औरत रास्ते से गुजर रही थी, प्यास की शिद्दत उसको महसूस होती है, अपनी प्यास को बुझाने के लिए कुआं तलाश करती है, कुएं से अपनी प्यास को बुझाती है, ऊपर आती है तो क्या देखती है कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से अपनी जबान से गीली मिट्टी को चाट रहा है। औरत ने सोचा कि कुछ देर पहले जिस तरह मैं प्यासी थी उसी तरह की प्यास ये कुत्ता महसूस कर रहा है। नीचे उतरती है, पानी भरती है और कुत्ते के सामने पानी लाकर रखती है। कुत्ता पानी पीने के बाद अपनी प्यास को बुझाता है, वहां से चल देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसके इस अमल को कबूल किया और उसके गुनाह को माफ करके अल्लाह ने इस अमल की वजह से जन्नत में दाखिल कर दिया। आज जिस हाल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सारे लोग भूखे होंगे, बहुत सारे लोग प्यासे होंगे, बहुत सारे लोग अनाज के मोहताज होंगे, बहुत सारे ज़रूरियात ज़िंदगी के मोहताज होंगे। उनकी हाजतों का ख्याल करना, उनके साथ हमदर्दी का मामला करना, ये हमारा दीनी फरीदा है। इसको समझने की ज़रूरत है और माशरे में इसको फ़रोग देने की ज़रूरत है। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, शरीयत इस्लामिया हमदर्दी का मामला करने का हमें उमूमन हुक्म देती है, लेकिन खुसूसन हमारे अपने वो लोग जिनके साथ हम जिंदगी गुजारते हैं उनके साथ हमदर्दी का ज़्यादा मामला होना चाहिए। और यहाँ तक के शरीयत इस्लामिया ने बेजबान जानवरों के साथ भी हमदर्दी का मामला करने का हुक्म दिया है। रब्बे करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हमदर्दी के मामलात
और हसन सलूक का मामला करने की अल्लाह ताला तौफीक अदा फरमाए, जब तक जिंदा रखे, एक पक्का और सच्चा मुसलमान बनाकर जिंदा रखे, मौत दे तो अल्लाह तौहीद और ईमान पर मौत अदा फरमाए, जन्नत में जगा दे, जहन्नम और कब्र के अदाब से बचाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।